started. Good morning. Our topic for today is bureaucratic theory. So what is bureaucracy? Bureaucracy is basically the exercise of power with the help of knowledge. According to Max Weber, bureaucracy is the most efficient and rational process to organize human activities and the systematic processes. A bureaucrat is an official of the government who believes in organizational correctiveness. Our story is based on two builders who want to get approval for the construction of a building. One wants to follow all the rules and regulations for getting the approval. On the other hand, the other builder wants to get the work done quickly by bypassing the rules and regulations and is also ready to pay a bribe. Our characters are Abhinav, who is the builder who wants to follow all the rules and regulations. Manjul, who wants to bypass the rules and regulations. Then in the agent's office, there is Sumit, who is the agent. There is Avinash, who is the agent's assistant. In the Bhada office, the builders are going to approach the agent for getting the work done from MHADA, that is the Maharashtra Housing Area and Development Authority. In the MHADA office, we have Narasimhan, who is the clerk, Srividya, who is the senior clerk, Garima, who is the top secretary, Harsh, who is the senior engineer, and Ayush, who is the junior engineer. So in the first scene, Abhinav is going to approach the agent's office for getting the approval. हेलो, हाँ रेटी बोल ना। अरे हाँ, वो कल रात की पिक्चर थी नहीं, सनी वाली। अरे सनी वो वाली नहीं रे, सनी दियोल रे। सर एक सेकंड रुका, आया कोई, रुक दे, कॉल करता हूँ। हेलो सर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का अप्रूवल करा। बिल्डिंग कहाँ बनानी है आपको? पामबी छोड़ के। पामबी छोड़ के, अच्छा सारे डॉक्यूमेंट्स है आपके पास? डॉक्यूमेंट्स लाया हूँ सर। अच्छा, ये ओनरशिप सर्टिफिकेट है आपके पास? हाँ, ओनरशिप मेरे नाम पे है। बिल्डिंग लेआउट है आपके पास? हाँ। एनओसी? एनओसी भी है। अच्छा, वो पेड़ की अथॉरिटी है आपके पास? पेड़ की अथॉरिटी? वो ट्री है ना, ट्री अथॉरिटी है आपके पास? अच्छा हाँ, वो अगर ट्री कट किया प्लॉट पे से तो कहीं और लगाना होता है। हाँ, वो भी करा दिए। अच्छा ठीक है, तो इसको तो टाइम लगेगा बहुत। कितना टाइम? एक से दो साल तक तो लग ही जाएगा। एक से दो साल? लेकिन आपको कुछ और तरीके से करना है तो? नहीं नहीं, मैं जनरल प्रोसीजर से जाऊंगा। यही ऐसे ही? हाँ। इसमें तो टाइम लगेगी, लेकिन एक से दो साल तो 100%। कोई प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, एक काम करो, सारे डॉक्यूमेंट्स छोड़ दो एक। ओके। फिर आपको शाम तक कॉल कर दूंगा। ओके सर, इंजीनियर से बात करना होगा। ठीक है, चलो थैंक यू। अरे पांडे जी, सुनो ना। बोलो सर जी। बैठो बैठो। बोलिए सर जी। एक बिल्डर आया था यार, सारे डॉक्यूमेंट्स है उसके पास, सब कुछ है। अच्छा, कैसी टाइप की बिल्डर है ये? सीधी वाली की, मिठाई वाली? एकदम पानी की तरह साफ। पानी की तरह साफ, ठीक है। एक काम करो आप, ये जो भी सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स दिए ना, हाँ, ये क्लर्क के पास दे दो जाके। ठीक है, आगे का मैं दे देता हूँ। ठीक है। The agent's assistant is now going to approach the clerk in the MHADA office. चुन्ना भी करा भाई। सर ये लीजिए चुन्ना। हाँ पांडे जी, कैसे हैं? ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? हाँ ठीक हूँ, क्या बात है पांडे जी? सर एक बिल्डर आया है। हाँ पांडे जी, बिल्डिंग खड़ा कर रही है। हाँ, इसके लिए अप्रूवल की जरूरत है। इसको डॉक्यूमेंट सब है? सारे डॉक्यूमेंट है सर जी। चलेगा भाई, सब कुछ है, मैं देख लेगा। ठीक है सर जी, मैं आपको बता। ठीक है सर जी। अरे सर जी, देते तो जाइए। क्या मुझे चुना? यही ना? थैंक यू मैडम जी।
अपना बिल्डर का एरिया है। कौन सा एरिया? ये अपना पाम बीच का एरिया है। डॉक्यूमेंट्स है सर? सब डॉक्यूमेंट्स क्लियर है। बराबर बोलो। सब डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, आप देख लीजिए सर जी। ओके, सिंह साहब से बात करके बता। हाँ ओके साहब। गुड मॉर्निंग। हाँ सर, सब बताइए क्या। सर एक नई फाइल आई अप्रूवल के लिए। जमीन कहाँ की? पाम बीच। क्या है? वही बिल्डिंग अप्रूवल के लिए उन्होंने फाइल भेजी है, तो देखिए क्या करूँ। चेक किया सर? चेक तो किया, बट आप बताइए क्या करें। फर्जी नहीं निकलना चाहिए? जी सर। सर क्या करना है? ठीक है, डॉक्यूमेंट से तो ठीक लग रहा है, साइट विजिट का देखिए जरा। कब चलना है? जब भी आप बोले। एक काम कीजिए, परसों में रखिए। जी सर। और सुनिए, बिल्डर को भी लीजिए। जी सर। रघुमा आए थे, मतलब मिठाई लेकर गए
डॉक्यूमेंट तो है नहीं उनके पास। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, काम हो जाएगा। सर हमारा मुंह भी मोटा कीजिए। सबका मीठा होगा। No matter what position you are at, you have to follow the rules and regulations. Thank you.